क्या बात है, बिहारियों का तो सबसे महापर्व यही होता है छठ, तो यहाँ छठ में सब कुछ अच्छा लगता है। डूबते हुए सूर्य देव को पटना के जितने भी लोग हैं वो प्रणाम कर चुके हैं, वो अर्घ दे चुके हैं और जो भी मांगना था छठी मैया से मांग चुके हैं अब। हाँ, भक्तिमय लग रहा है, बिल्कुल रौनक लग रही है, यही दो दिन है, आज और कल। हम लोग छठी मैया से यही मांगे हैं कि सभी की मनोकामना पूरी हो। जय छठी मैया। जय छठी मैया। छठी मैया से मांगी क्या ये बताएंगे नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए महापर्व छठ पूजा का नजारा आप देख सकते हैं, जो डूबते हुए सूर्य देव को लोग अर्घ देते। बताइए आज लगता कैसा है? बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। घाट पर आके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। घाट पर आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो बताइए कि छठी मैया से मांगे क्या? हम लोग छठी मैया से यही मांगे हैं कि सभी की मनोकामना पूरी हो और छठ माँ सबकी इच्छा पूरी करे। बहुत आस्था का पर्व है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे हम लोग आके। चलिए आप देख सकते हैं कि सारे लोग जो हैं वो अर्घ दे रहे हैं और फोटो भी ले रहे हैं, सेल्फी पॉइंट बन चुका है गंगा रिवर और भीड़ आप देख सकते हैं। आप बताइए कि आज के दिन का इंतजार रहता है कि नहीं? बहुत सालों से इंतजार रहता है हम सबका, माता रानी की कृपा से, माता छठ मैया की आशीर्वाद से हम सब सुखी संपन्न रहें। हमारा यही कामना हमेशा रहता है हर साल की। डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, अर्घ दिया जाता है। आज यही हमारा छठ पूजा का त्यौहार है, जो कि डूबते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं और फिर उगते हुए सूरज को भी हम लोग अर्घ देते हैं। आप बताइए क्या बोलेंगे आज? उगते हुए सूरज का मतलब है कि कल जो आने वाला है वो बढ़िया दिन है, उसके लिए छठ पूजा। आज पहला अर्घ है छठ पूजा का, कल सुबह का है और कोरोना के बाद अभी बहुत उत्साह से हम लोग मना रहे हैं। माहौल आप देखिए जो पटना के घाट का है, हर तरफ आपको जो छठ व्रती हैं वो अर्घ देते हुए दिखेंगे और जो उत्साह है, जो खुशी है वो आपको उनके चेहरे पे दिख रहा होगा। और इधर जो सेल्फी ले रहे हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए जो छठ व्रती हैं वो अर्घ किस तरह से दे रही हैं वो आपको दिख रहा होगा कि बहुत खुशी होता है। आज के दिन बात करने की कोशिश करेंगे। बताइए कि आज अच्छा कितना लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और कितने साल से आप करते आ रहे हैं? 17 साल से करते आ रहे हैं। आप बताइए कि अर्घ देखे कैसा लगा? इधर देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। मांगी क्या छठी मैया से? मन में है, जो मन में है वो मांगे, जो मन का अंदर है, बाल बच्चा अच्छा रहे उसका। और गंगा जी में आके लगता कैसा? बस लग रहा है कि एकदम स्वस्थ हो गए, बहुत मजा। क्या दिन का इंतजार करती है? बहुत ज़्यादा। ये माहौल है जो कि छठ पूजा का है, लोग जो हैं वो बहुत खुश रहते हैं। बताइए कि कैसा लगता है जब? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा। इस पर्व का पूरे एक साल से हम लोग इंतजार करते हैं, उसके बाद ये आता है, ये मोमेंट आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये महापर्व है हमारे बिहार का। चलिए फिर से आप माहौल देखिए, हर तरफ चारों तरफ आपको जो लोग हैं वो दिखेंगे जो कि पूरे आस्था के साथ आज पूजा करने आए हैं गंगा घाट पे। लगता कैसा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो बाहर रहता हूँ बट यहाँ पे बस इसी फेस्टिवल के लिए आया हूँ। हाँ एकदम। और भी लोग हैं, बताइए कि आज लगता कैसा है? बहुत अच्छा। छठी मैया से मांगी क्या? बिल्कुल, घर भरा पूरा रहे, परिवार खुश शांति रहे, शहर और क्या? अलग फीलिंग आता है, बहुत ज्यादा। चलिए लोग कितने जुट चुके हैं गंगा घाट पे और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं, वो भी आपको दिख रहा होगा। लेकिन आज जो उत्साह है, आज जो खुशी है वो आपको कभी नहीं दिखेगी क्योंकि आज अलग एक्साइटमेंट होगा। हाँ जी, कैसा लग रहा है? अब इनसे पूछिए। अच्छा लग रहा है। पटना से? नहीं, मैं बाहर से हूँ। हाँ जी, आप बताइए कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये मतलब हर बार बहुत एक्साइटमेंट रहता है जब भी ये फेस्टिवल होता है। आपको दिख रहा होगा कि जो छठ व्रती हैं वो तो अर्घ दे ही रहे हैं। बताइए आज मजा कितना आता है, उत्साह कितना? ऐसा तो ये हम बिहार वासियों के लिए ये एक बहुत ही एक्साइटमेंट वाला पर्व है, बहुत ही भावपूर्ण श्रद्धा की भक्त। अर्घ देते वक्त मांगी क्या? बस हम अपने सूर्य देव से यही कामना करते हैं कि सभी भक्तों के जीवन में सुख शांति समृद्धि बना के रखे। आप बताइए कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, इस दिन का इंतजार हम लोग सालों से करते हैं, साल का बहुत महापर्व है। ठीक है, जो है वो फोटो भी ले रहे हैं। बस ये बताइए कि आज मजा कितना आता है गंगा घाट पर आके दर्शन करके? बहुत अच्छा लगता है। तो पहली बार आई है कि व्रत की है? पटना की है? इस दिन का इंतजार रहता है या नहीं?
सबसे बढ़िया क्या लगता है? सबसे अच्छा क्या लगता है? अच्छा लगता है। और छठी मैया से मांगी क्या? छठी मैया से क्या मांगी? विश क्या मांगी? विश क्या मांगी बताइए। चलिए जय छठी मैया। जय छठी मैया। देखिए लोग विश बताते नहीं है लेकिन खुश जो है वो सारे लोग हैं। ये बच्चा भी खुश है और जो लोग हैं यहाँ पे वो सारे लोग खुश हैं। सबसे हम लोग धीरे धीरे बातचीत करेंगे कि आज लगता कैसा है। बताइए कि आज उत्साह कितना है और खुशी कितना है? आपके परिजन आपका इंतजार कर रही है। दोनों घाट पर पहुँच चुके हैं। उससे हम लोग बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे क्योंकि देखिए आज गंगा घाट पे जो नजारा है वो साल में बस आज ही दिखता है और इसके बाद नहीं दिखता है। क्योंकि देखिए महापर्व इसी को कहते हैं क्योंकि यहाँ का जो नजारा है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि पटना में जितने भी घाट हैं वो पूरे उत्साह से भर जाते हैं, पूरे प्यार से भर जाते हैं, पूरे श्रद्धा से भर जाते हैं और ऐसा जो भीड़ है वो आपको कहीं भी नहीं दिखेगा क्योंकि महापर्व इसी को कहते हैं। छठी मैया से मांगी क्या? परिवार के लिए सुख समृद्धि। और कैसा लगता है आने के बाद? बहुत ही अच्छा। चलिए अर्घ में मांगे क्या छठी मैया? सब कुछ ठीक रहना चाहिए, सब कुछ ठीक लगेगा। चलिए और भी लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं जो आते हैं। बताइए कि गंगा घाट आके लगता कैसा? शशिकांत शर्मा जी आप कार्यालय छठी मैया से मांगेंगे क्या? क्या क्या मांगेंगे? चलिए बताइए कि गंगा घाट आके लगता कैसा आज के दिन? आज के दिन बहुत ही श्रद्धा के साथ अच्छा लगता है। और भीड़ अब आप देखिए जो पटना के गंगा घाट पे लग चुका है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं पूरे आस्था के साथ। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग जो भी लोग अर्घ दे के निकल रहे हैं उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से जो उत्साह है उमंग है वो आपको दिख रहा होगा। बताइए कि अच्छा कितना लगता है इस बार महापर्व छठ पूजा? बहुत अच्छा फील होता है। चलिए देखिए जो छठ व्रती हैं वो सूर्य देव को डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ दे रही है तो उन्हीं से बात करेंगे। बताइए कि आज कैसा लगता है? कि अच्छा लग रहा है। इसका इंतजार रहता है कि नहीं? बहुत बहुत। हाँ बताइए कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। महापर्व में महापर्व लगता है कि नहीं? बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए जो अर्घ दे रही हैं उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि देखिए जो लोग हैं वो पूरे आस्था के साथ पहुँचते हैं। बताइए कि आज चलिए घूम देख लीजिए अर्घ अभी दिला रहा है, हम बात करेंगे आज लगता कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। और देख रहे हो सकते होंगे आप कि किस तरह से अर्घ दिला रहा है और पूरा जो गंगा घाट है वो लोगों से भर चुका है और लोग जो हैं वो भी बहुत अच्छे से जो पूजा है वो कर रहे हैं। हम बातचीत करेंगे। बताइए कि आज का दिन लगता कैसा है? अच्छा लग रहा है। महापर्व जैसा लग रहा है कि नहीं? हाँ भक्तिमय लग रहा है, बिल्कुल रौनक लग रही है। यही दो दिन है, आज और कल। सबसे बढ़िया बात, सबसे अच्छा बात क्या लगता है आपको इस छठ का? इसमें श्रद्धा ही अलग होती है बिल्कुल। और लोग हर जाति के लोग हर धर्म। घाट पर आने का मजा कुछ और होता है। बिल्कुल घाट पे आके बिल्कुल गंगा नदी के सामने बिल्कुल फील कर रहे हैं आप खुद को। की नहीं लगाए छठ पूजा में तो अभी फिर तो कोई बात ही नहीं है। मतलब सामने से आके गंगा नदी में आके आप पूजन कर रहे हैं, एक अलग ही भाव है। वो घर पे नहीं होता, फीलिंग घर पे नहीं मिलेगी, नहीं मिलती। चलिए देख सकते हैं आप कि कितने लोग पूरे श्रद्धा के साथ अर्घ दे रहे हैं। और मैं बता दूं कि देखिए अगर अर्घ देते वक्त कोई दूसरा भी आदमी आता है तो उसे मना नहीं किया जाता है। लोग क्या, परिवार क्या, सब लोग एक साथ वो कोई भी हो अर्घ देते हैं बहुत प्यार से और अच्छे से रहते हैं। बताइए कि आज के दिन का इंतजार रहता है कि नहीं? रहता है। आप बताइए। हाँ रहता है। आज सबसे बढ़िया लगता क्या है? सबसे बढ़िया ये अर्घ देने के लिए डूबते हुए सूर्य देव को पटना के जितने भी लोग हैं वो प्रणाम कर चुके हैं, वो अर्घ दे चुके हैं और जो भी मांगना था छठी मैया से मांग चुके हैं। अब सुबह आएंगे और ये है खुशी महापर्व का, ये है खुशी छठी मैया के पास आने का और ये है खुशी पूरे परिवार के साथ एक होने का जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, जो लाइव सीरीज आपको दिखा रहा है गंगा घाट का नज़ारा। तो एक बार फिर से आप भी बोलिए छठी मैया की जय, हम भी बोलेंगे छठी मैया की जय। और जितने लोग ये देख रहे हैं, जितने हमारे व्यूअर्स हैं, वो भी लिखिए बोलिए छठी मैया की जय क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है जो साल में आता है तो खुशहाल भर देता है, मतलब खुशियों का बहार भर देता है। भरता है कि नहीं? बहुत अच्छा।
चलिए, तो आपको दिख रहा होगा कि छठ व्रती जो हैं वो अभी भी धीरे धीरे, देखिए जो लोग हैं एक बार में तो नहीं उतर सकते हैं, तो आधे लोग करके उतरते हैं गंगा जी में, उसके बाद अर्घ देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो जो उधर हैं उधर से भी हम लोग बात करेंगे कि लगता कैसा है। चलिए, जो यहाँ लोग हैं उनसे भी हम लोग पूछ लेते, बताइए कि आज महापर्व है, सबसे अच्छा क्या लगता है? बहुत अच्छा लगा, छठ हमारे बिहार का सबसे फेमस पर्व है, काफी अच्छा लग रहा है। लोग जो है बताइए कि आज सबसे खास क्या लगता है? खास क्या लगता है, सबसे खास क्या लगता है? यहाँ पे घूमना घूमना और मुझे लगता है कि घाट नहीं आए तो अधूरा है। पटना का छठ काफी फेमस है। तो छठी मैया से मांगी क्या? ये बताएंगे नहीं, आप बताइए कैसा लगता है छठ पूजा में घाट पर आके? मुझे छठ पूजा बहुत पसंद है, बहुत। और अगर घाट पर सेल्फी नहीं लें तो मुझे लग रहा है अधूरा लगता है। सबसे अच्छा क्या लगता है छठ पूजा में? सब कुछ अच्छा लगता है, छठ माता का उगते हुए सूर्य को प्रणाम करना बहुत अच्छा लगता है। अब सुबह भी आइएगा, सुबह भी घाट का मजा लेना है। हाँ, हो सकता है। सबसे बढ़िया बात क्या लगता है? सबसे बढ़िया बात बिहारियों का तो सबसे महापर्व यही होता है छठ, तो यहाँ छठ में सब कुछ अच्छा लगता है। चलिए, देखिए जितने भी छठ व्रती हैं वो पूरे श्रद्धा के साथ अर्घ दे रहे हैं और पूरा घाट जो है वो जगमग हो चुका है पूरे दिल से। लोग क्या कुछ कहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं वो आपने देख लिया, और माहौल कैसा है वो आपने देख लिया कि पटना वासी बहुत ज़्यादा खुश हैं महापर्व छठ पूजा में। तो बस अब इंतज़ार है लोगों को तो उगते हुए सूर्य देव का। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।